So this one is asking, if the ice at the poles melts and flows towards the equator, how will it affect the duration of day and night? तो ये बड़ा ही खतरनाक सा सवाल है. तो अगर मैं ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट के बारे में अगर चर्चा करता हूँ, तो अगर ये अर्थ है और अगर इसका पोल्स और ये कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सिस विथ अ सर्टन ओमेगा, सो द टाइम ड्यूरेशन इज रिटन एज 2π/ओमेगा. अब अगर मैं पोल्स पे बात अगर करूँ तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारा बर्फ जमा हुआ इस तरफ और इस तरफ भी. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हो गया केस वन. सो इन केस टू व्हाट इज हैपनिंग? सो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मैं मानता हूँ कि कोई नया आ गया, कोई ओमेगा डैश आ गया. और ये ओमेगा डैश किस लिए आया? क्योंकि ये जो पोल्स है वहाँ से पानी बह करके मेल्ट होने की वजह से इट केम एंड एक्यूमुलेटेड ऑन द इक्वेटर. तो ये जो वेट जो पोल्स की तरफ था वो इस तरफ अगर आ जाए, सो व्हाट डू आई मीन टू से, द फर्स्ट थिंग विच आई से ओवर हियर इज, जो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कोई आई वन था, जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कोई आई टू है. तो द फर्स्ट थिंग विच आई राइट ओवर हियर इज आई टू इज ग्रेटर देन आई वन. और ये तुमको भी साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले वाले केस में क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर वेट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम है, और दूसरे वाले केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन से वेट जो है वो दूर डिस्टेंस पे है तो उसके वजह से एक कॉन्ट्रीब्यूशन एम आर स्क्वायर जो है वो बढ़ जाएगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन सेकेंड केस इज मोर, एंड सिंस देर इज नो एक्सटर्नल एजेंट इन्वॉल्व ओवर हियर, सो आई कैन अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर द टू केसेस. तो अगर मैं दोनों केस के लिए अगर एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व करता हूँ, सो आई कैन राइट इट एज आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, एंड सिंस आई टू इज ग्रेटर देन आई वन, सो आई विल से दैट ओमेगा टू विल बी लेस देन ओमेगा वन. So initially the time period was 2π/ω1, so finally the time period will come out to be 2π/ω2. So omega 1 was greater, omega is less, so as omega decreases the time duration increases, so the duration of day and night will increase. So apne aisa dekh rahe hain ki explanation mein fir se ek bar de deta hu ki movement of inertia jo hai wo earth ka badh jayega. Why? Because jab wo poles pe hai to wo axis ke nazdeek hai jo weight hai wo. On getting melted, तो वो क्या है, वो इस तरफ फ्लो करके इक्वेटर की तरफ अगर आ जाता है, so as a result of which what will happen, the moment of inertia of earth will rise. Due to the increase in the moment of inertia, the angular velocity omega will decrease. तो अपने क्या करें, we are using angular momentum conservation, और omega अगर decrease हो जाएगा तो time period जो है वो बढ़ जाएगा, so t will increase. So as a result, I say that the duration of day and night जो है वो बढ़ गया, time जो है वो बढ़ गया.